देश को चलाने के लिए दो प्रकार के नेता होते हैं, एक जो साधु संत ऋषियों मुनियों के अनुकूल चलते हैं और एक उनके विरोधी होते हैं। इस विश्व में अच्छे कार्य करने वाले महापुरुषों की सभी को नमन अभिनंदन और सभी का जय। आज के योग शिविर के बारे में बता दीजिए। सर्वहितकारी विद्या मंदिर तारागढ़, जिसमें आज योग शिविर कराया गया और इस योग शिविर में प्रिंसिपल जी का बहुत बड़ा सहयोग मिला, जिनके माध्यम से बच्चे पूरा अनुशासन में बैठे रहे और सभी प्राचार्या बहनें खूब सुव्यवस्थित रूप से, अनुशासित रूप से बच्चों को उन्होंने अनुशासन के तरीके से व्यवस्थित रखा। तो मैं इस विद्यालय के सभी अध्यापकगण और धन्यवाद देता हूँ और साथ साथ ये कहता हूँ कि योग जो है हमारे जीवन का मूल एक मंत्र है, जिससे हम शारीरिक, मानसिक, आत्मिक उत्थान कर सकते हैं और यहाँ बच्चों ने किया और भविष्य में निरंतर करते रहें। धन्यवाद जी। सर, आज योग शिविर दे विच की कहना चाहते? आज साडे विद्यालय करो योग रहो निरोग दे मुहिम के तहत जो आज साडे विद्यालय में स्वामी प्रग्यानंद जी वालों योग शिविर लगाया गया, पहला तो मैं PCT Humanity का तहे दिल तो धन्यवादी हाँ, जोगिंदर जी का धन्यवादी हाँ जिन्ह ने इस मुहिम लिए साडे स्कूल नूं चुनिया। दूसरा, स्वामी जी वालों जो गल्लां साडे बच्चों नूं दसियां गईयां, चाहे वह शरीरिक पक्षों से चाहे मानसिक पक्षों से, सब गल्लां बच्चों के जीवन च उतारन लई ही उन्होंने इस चीज़ अज शिविर का आयोजन किया। PCT Humanity वालों जिहड़ा शिविर लगाया गया उस लई मैं PCT का, जोगिंदर जी का तहे दिल तो धन्यवादी हाँ। और दूसरा, जो ये PCT मानवता के काम कर रही है वो बड़ी ही सराहना योग है और मैं आस करता हाँ कि PCT Humanity जोगिंदर जी जो इसके फाउंडर ने वो मेरे इस विद्यालय नूं जिस रूप विच भी जिस तरह भी चाहन मैं उन्हां नूं देण नूं तैयार हाँ।